राजस्थान सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद जी से विनम्र निवेदन कि आप पधारें और हम सबके बीच आज इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को जिसमें पूरे प्रदेश का अपार जन सैलाब हमारे बीच में आया है आप संबोधित करें आदरणीय उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद जी। बोलो धन्ना भगत की। बाबा धन्ना भगत के चरणों में प्रणाम करता हुआ यहां विराजमान संतों के चरणों में प्रणाम करता हुआ मंच पर विराजमान इस कमेटी के अध्यक्ष और सदस्य और सभी सम्मानित गण प्रधान जी और सरपंच साहब और सामने विराजमान मेरे पितातुल्य बुजुर्ग मेरे युवा दोस्तों मात्र शक्ति को मेरा प्रणाम। आज ये अत्यंत खुशी का दिन है और अभी जिस तरह से विस्तार से बता रहे थे निश्चित रूप से इस बाबा धन्ना बाबा की जो ये पावन पवित्र धरती जहां जन्म लेकर आज हमारे को देखते देखते जिस तरह से धन्ना बाबा के इस स्थान का जो कायाकल्प हुआ है एक ऐसा स्थान जो सुंदर और सुशोभित यहाँ दिख रहा है निश्चित रूप से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस कमेटी को और यहाँ के जो धन्ना बाबा की आस्था में और जो भक्त जन है उनको के उनके सहयोग से ये सब कुछ हुआ है। और जिस तरह से आप लोगों ने पिछली बार हमारे देश के यशस्वी महामहिम उपराष्ट्रपति जी यहाँ पर पधारे ऐसी शक्ति जो यहाँ देश के दूसरे नंबर को व्यक्ति को भी खींच के लाई ये सब इस धन्ना बाबा की असीम कृपा और इस भक्तजनों की आशा जिसके अनुकूल ये सब कार्य हो रहे हैं मैं इस धरा को प्रणाम करता हूँ कि हम लोग ऐसा आयोजन करके हर साल जिस तरह से हमारी सामाजिक समरसता को बांधे रखने की क्योंकि ऐसे आयोजन से हमारे सभी गांवों के लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं और एक सामाजिक समरसता का भाव हम लोगों में यहाँ पैदा होता है। ये धन्ना बाबा इसका साक्षी बनके और हम लोगों पे आशीर्वाद देता है इसलिए मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसी आस्था का प्रतीक ऐसा स्थान जहां हम हमेशा ऐसा आयोजन इससे भी अधिक आयोजन करते हुए यहां जितनी भी कमियां हैं मैं अभी भी सुन रहा था मैं भी आप लोगों का भाई आपका बेटा हूं निश्चित रूप से मैं पूरा परिचित हूं यहां से कि यहां क्या कमी है क्या नहीं है। आपसे ज्यादा इस स्थान की चिंता करने वाला ये प्रेमचंद है निश्चित रूप से इस बाबा की कृपा जितनी रहती है हमके ऊपर तो मैं जितने भी काम बता रहे हैं आचार संहिता का तो चल ही रहा लेकिन फिर भी मैं एक एक चीज से अवगत हूँ निश्चित रूप से आप लोगों के सहयोग से आपके साथ रहकर और इस स्थान को ऐसा स्थान अपन बनाए कि यह हमारे इस विधानसभा का एक ऐसा सुंदर स्थान ये हो इसके लिए हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे और मैं आपको आशा और विश्वास दिलाता हूँ कि ऐसा कोई भी काम हो धन्ना बाबा के लिए निश्चित रूप से मैं आपके आगे होकर काम करने की हमेशा आपका साथ दूंगा और साथ रहूंगा इसलिए इस कामों की चिंता नहीं लेकिन ये सामाजिक समरसता की चिंता है ये भाव या आस्था हम सर्व जातियों में इस तरह का प्यार और प्रेम बना रहे इसकी मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि ये चिंता और ऐसा समाज हमारे को देना है जिस गांव में हम सब जाति के एक दूसरे का सहयोग करके और आत्मा से हम एक दूसरे को प्यार करते हुए सहयोग करें ये भावना अगर हमारे इस क्षेत्र में होगी तो निश्चित रूप से आपका कोई भी काम हो कहीं रुकेगा नहीं लेकिन व्यवस्था वहां बिगड़ती है जहां हम एक दूसरे पे छींटा कसी करके एक दूसरे में पार्टियां बनके ऐसा काम नहीं
नहीं हम जायज काम के लिए, हम सर्व कौम 36 कौम एक होकर अगर कोई बीड़ा उठा ले तो ऐसा कोई काम नहीं बचेगा जो नहीं हो। इसलिए मैं तो सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, यह आपका भाई आपका बेटा जिस तरह से आप लोगों ने धन्ना बाबा के आशीर्वाद से और आपके आशीर्वाद से आज मुझे इस पद तक पहुँचाए हो, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ। निश्चित रूप से आप लोगों इतने आभार प्रकट करना मैं उन माननीय नरेंद्र मोदी जी का भी मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने आपको इस विधानसभा का मान और सम्मान और जो दायित्व आप लोगों को दिया गया है इसमें मेरी 36 कौम का मान और सम्मान इस विधानसभा में किया है। इसलिए ये सम्मान आप लोग दिलाने वाले हो, इस सम्मान की लाज आप लोग रखने वाले हो और आगे भी आप लोग इसको प्यार और सहयोग से हम इस पूरे राजस्थान में ऐसा जो मान सम्मान दिया है इसका परिचय हम पूरे राजस्थान में दें। मैं आप लोगों से यही विनती करना चाहता हूं और आप लोगों को जो भी काम हो आपका भाई और आपका बेटा आपके साथ रहेगा। जय हिंद जय भारत।